रागी मन और राहुल चौधरी जी, शायद कभी आपका शुक्रिया हम अदा कर ही नहीं पाते, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इवेंट एक अपने चरम उत्कर्ष पे जा चुका है और जो सिंगिंग वाला जो यहाँ पे स्लॉट आया उसने तो एकदम दिमाग की बत्तियां उड़ा दी। मैं उठते हुए कहती हूँ मैं मेरी कविता ही भूल गई कि मुझे क्या सुनाना था। खैर चलिए, ज्यादातर यहाँ पे हिंदी जानने वाले लोग हैं इसलिए हिंदी में ही पढ़ते हैं आज। चलो बाद में वो भी देख लेंगे। अभी हाल ही में सुनाई थी ये कविता, सबको पसंद भी बहुत आई। जैसे नेहा जी की थी मैं कवि हूँ, वैसे ही मैंने भी कुछ लिखा था कि कविता कैसे लिखते हैं, कविता कैसे बनती है। ये कविता यूं ही नहीं बन जाती है, ये कविता यूं ही नहीं लिख जाती है, ये कविता यूं ही नहीं बन जाती है, ये कविता यूं ही नहीं लिख जाती है। अब देखिएगा किन किन परिस्थितियों में, किन किन हालातों में कविता बनती है। जब सारा जग अपना लगता है, सारा जग अपना लगता है और भेद कहीं नहीं पड़ता है, सारा जग अपना लगता है और भेद कहीं नहीं पड़ता है। लघु दीर्घ की उपमाएं, लघु दीर्घ की उपमाएं सारी लघु हो जाती है, नन्ही चींटी बतलाती है। जितने भी कवि लोग हैं वो समझते होंगे कि एक छोटी सी जो चींटी होती है उसकी हरकतें भी हमें कविता लिखने पे मजबूर करती है। नन्ही चींटी बतलाती है, कविता वही बन जाती है, ये कविता यूं ही तो लिखी जाती है। सूरज चंदा और गगन, सूरज चंदा और गगन, पर्वत सागर और पवन, टिम टिम करते तारे सब, टिम टिम करते तारे सब अपनी ओर बुलाते हैं, कविता नई रचवाते हैं, कविता नई रचवाते हैं, ये कविता यूं ही तो बन जाती है, ये कविता यूं ही तो लिख जाती है। अब देखिए गीत कैसे आता है, कविता से गीत पे आते हैं। सोच समझ विस्तृत हो जाए, गीत के लिए कहा जाता है कि गीत उतरता है। सोच समझ विस्तृत हो जाए, शब्द स्वतः कलम बन जाए, सोच समझ विस्तृत हो जाए, शब्द स्वतः कलम बन जाए। भावों की जल वर्षा में जब, भावों की जल वर्षा में जब तन मन भीगा जाता है, तब गीत नया कवि गाता है, तब गीत नया कवि गाता है, ये गीत यूं ही तो बन जाता है, ये गीत यूं ही तो लिखा जाता है। अब जो गीत की पराकाष्ठा है, प्लीज तालियां बजा के साथ दीजिएगा। आंखों से अश्रु बहते हैं, आंखों से अश्रु बहते हैं, होठों पर मुस्कान छलकती है, होठों पर मुस्कान छलकती है, और दिल जब भर भर आता है, दिल जब भर भर आता है, खुशियों से दामन लहराता है, तब गीत नया कवि गाता है, तब गीत नया कवि गाता है, ये गीत यूं ही तो बन जाता है, ये गीत यूं ही तो लिखा जाता है। उधर से फरमाइश आई थी हमारे सर की, जिन्होंने एक छोटी सी चिड़कली कुदकड़ा मार बाला जी आंगणिया माँ, नानी सी चिड़कली कुदकड़ा मार बाला जी, ची 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 अर छू छू करती कुदकड़ा मार बाला जी, ची 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 अर छू छू करती कुदकड़ा मार बाला जी आंग।
नानी से चिड़क ले कुदकड़ा मार बालागी। अब ये तो है बचपन, अब वो कैसे बड़ी होती है देखेगा, जिनके बच्चियां हैं वो समझ सकते हैं। या चिड़कलिया बाबोसा का जीव की जड़ी, या चिड़कलिया बाबोसा का जीव की जड़ी, या चिड़कलिया मायड़ का खून सुपड़ी, या चिड़कलिया मायड़ का खून सुपड़ी, घर की पोड़ी हो घर की पोड़ी, पिछवाड़े ताई भाज बालागी, घर की पोड़ी पिछवाड़े ताई भाज बालागी, ची 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 आर चू चू करती फुदकड़ा मार बालागी। इसका बस लास्ट स्टेंजा सुना रही हूँ। आजकल जो बच्चियों के साथ में घटनाएं हो रही हैं और बच्चियों को लेके जो वातावरण है, जिसे हम सबको समझना चाहिए, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। ई चिड़कली ने झपटो मत उड़वा दो दूर तक भाई, चिड़कली ने झपटो मत उड़वा दो दूर तक भाई, था का बाग बगीचा और खेता की जान जैसा चाई, था का और खेता की जान छे साचाई, नानी चिड़कली पाखड़ ल्याने पसार बालागी, आंगणिया मां छोटी सी चिड़कली कुदकड़ा मार बालागी, ची 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 अर छू छू करती।